ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता माता के लिए राज परिवार ही था, लेकिन सारी उम्र सुख नहीं पाया। इसलिए मां बाप व्यर्थ की चिंता में ना पड़े, होगा वही जो भाग्य में लिखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम वृश्चिक राशि के लिए बेहद खास है। आपके लिए मई 2022 का मासिक राशिफल कैसा रहेगा, सभी विषय पर बारीकी से आज हम चर्चा करेंगे। आपका सेहत यानी कि आपका इम्यून सिस्टम, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा पढ़ाई कैसी होगी, आपका प्रेम प्यार कैसा होगा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, आपका भाग्य, आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस और इन्वेस्ट कैसा रहेगा मई के महीने। ये सभी विषय पर चर्चा करेंगे। ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, जन्म की राशि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत बार, कभी हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, कभी हमारा लव रिलेशन अच्छा होता है, कभी भाग्य अच्छा होता है, कभी बहुत अड़चने आती हैं, कभी परेशानी बहुत ज्यादा आती है, कभी करियर में मन नहीं लगता, कभी चैलेंजेस बहुत होते हैं, कभी टारगेट बहुत होते हैं, कभी इजीली हमारा काम पूरा हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि ग्रह गोचर का ही इफेक्ट हमारे जीवन पर पड़ता रहता है। जब मई का महीना शुरू होगा तो आपकी राशि से ग्रह की पोजीशन कुछ इस प्रकार से रहेगी। राशि के मालिक बनते हैं मंगल देव। चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में शनि के साथ में मंगल, पंचम भाव में आपके बैठे हैं गुरु के साथ में शुक्र, आपके छठे घर में बैठे हैं सूर्य के साथ में राहु, सप्तम भाव में है बुध और 12वें घर में है केतु। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा मई के महीने में जान लेते हैं। राशि के मालिक मंगल देव चतुर्थ भाव में शनि के साथ में है, ठीक है, अच्छे हैं, केंद्र में है, केंद्र जो हाउस होता है वो अच्छा होता है, तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, अष्टमेश बुध का राशि पर देखना, स्किन त्वचा से संबंधित ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि परेशानी ज्यादा आएगी। मंगल देव केंद्र में है, अच्छा रहेगा, लेकिन स्किन से रिलेटेड ध्यान रखकर चलना होगा आपको, ठीक है। वहीं आपकी पढ़ाई कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा कैसी होगी, पंचम भाव पढ़ाई का, और पंचम के मालिक कौन बनते हैं, बृहस्पति, और बृहस्पति अपने घर में है पंचम भाव में। बृहस्पति होते हैं ज्ञान के कारक, यानी कि अपनी पढ़ाई में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपकी रुचि भी बढ़ेगी, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, और इसके साथ में पंचम भाव धर्म का भी होता है, अध्यात्म का भी होता है, तो अध्यात्म में रुचि भी बढ़ती हुई देखी जाएगी। जब भी देव गुरु बृहस्पति फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव में गोचर करते हैं तो आध्यात्मिक आध्यात्मिक यात्रा होती है, आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ जाती है, धार्मिकता में रुचि बढ़ जाती है, और पढ़ाई में भी रुचि बढ़ जाती है। तो कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक एडवाइस देना चाहता हूं मैं आपको, कहीं अगर एडमिशन लेना चाहते हैं जो आपके मन में है तो आप लीजिए, मई का महीना काफी अच्छा है आपके लिए, आपकी पढ़ाई को लेकर काफी शानदार है। कोई एग्जाम है आपका तो निश्चित वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वहीं आपका प्रेम प्यार कैसा रहेगा मई के महीने में, पंचम भाव प्रेम प्यार का ही होता है, पंचम भाव के मालिक बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं साथ में शुक्र भी हैं, प्रेम प्यार बहुत अच्छा होगा, आप दोनों की फीलिंग्स बहुत अच्छी होगी, क्योंकि पंचम भाव में बृहस्पति अपने घर के जो आपके पार्टनर हैं उनके अंदर ज्ञान भी बहुत अच्छा देखा जाएगा, आपस में दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, बॉन्डिंग्स बहुत अच्छी होगी, घूमने फिरने का योग बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र के साथ में बृहस्पति कनेक्शन को मजबूत बनाता है, और गुरु की दृष्टि फिर आपके फर्स्ट हाउस में पड़ रही है, तो आपके अंदर भी ज्ञान बहुत अच्छा देखा जाएगा, आपके अंदर भी फीलिंग्स को इंक्रीज करेगा लव रिलेशन में। वहीं आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, सप्तम भाव मैरिड लाइफ का, और सप्तम के मालिक कौन है, शुक्र, और शुक्र जाकर बैठे हैं बृहस्पति के साथ में पंचम भाव में, जो व्यक्ति मैरिड है मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, और जो व्यक्ति प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये मई का महीना, यानी कि आप अपनी बात को आगे लेके जा सकते हैं। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो स्टैंड लेना पड़ता है तो स्टैंड ले सकते हैं आप। शुक्र का गुरु के साथ में बैठना, जो आपके लाइफ पार्टनर हैं उनके करियर में भी अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल चेंजेस आ सकते हैं, कोई डिजायर पूरे हो सकते हैं, और मैरिड लाइफ भी अच्छी देखी जाएगी। पहले कुछ परेशानी चल रही थी मैरिड लाइफ में तो वो मई के महीने में जाकर सही हो जाएगी।
सबसे महत्वपूर्ण विषय आपका भाग्य, आपका करियर ये कैसा रहेगा मई के महीने में। दोस्तों भाग्य के मालिक बनते हैं चंद्रमा और कर्म क्षेत्र के मालिक बनते हैं सूर्यदेव। चंद्रमा हर सवा दो दिन में राशि परिवर्तन करते हैं और सूर्यदेव रहेंगे उच्च के। एक बात मैं विशेष आपको कहना चाहता हूं, भाग्य आपका ना तो बहुत ज्यादा अच्छा और ना ही कमजोर, सामान्य रहेगा। भाग्य सामान्य रहेगा। कोई भी काम करना चाहते हैं मेहनत तो उसमें आपको करनी ही पड़ेगी। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहना चाहता हूं आपसे कि 14-15 के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन कुंडली का विश्लेषण भी करवाइए। लेकिन हाँ, राशि के अनुसार आपके लिए इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। करियर, सूर्य की पोजिशन उच्च की है, 15 मई से पहले एक अच्छा अचीवमेंट आपको मिल सकता है, एक अच्छा प्रमोशन आपको मिल सकता है सरकार की तरफ से या उच्च अधिकार की तरफ से। साथ में जो लोग आपके काम कर रहे हैं कर्मचारी, उच्च कर्मचारी, उनकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। करियर में आपका मन लगेगा, जो चैलेंजेस ज्यादा होते हैं, जो प्रेशर ज्यादा होता है काम का, जो एंग्जाइटी ज्यादा होती है काम में, वो मई के महीने में नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, एक बात, 15 मई के बाद जब सूर्य 7th हाउस में शुक्र के घर में रहेंगे, तब क्या होगा कि थोड़ा सा काम बढ़ सकता है आपके लिए, काम का जो प्रेशर है वो थोड़ा बढ़ सकता है। लेकिन अपेक्षा अगर की जाए बाकी महीने से तो मई का महीना अच्छा है आपके करियर को लेकर। और इसके साथ शनि और मंगल की दृष्टि भी है 10th भाव में। जो आप कार्य करते हैं टेक्निकल का, इंजीनियरिंग का, आईटी सेक्टर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, मंगल यानी कि होटल मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का, ऑयल एंड गैस का, तो ये कार्य ज्यादा अच्छे देखे जाएंगे आपके लिए। शनि और मंगल की 10th भाव में दृष्टि, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ समय कुछ दिन ऐसे होंगे कि जहां काम में डिसेटिस्फैक्शन भी होगी। कुछ दिन ऐसे होंगे, खासकर कब, खासकर 15-16 मई के बाद और 25 मई के बीच में। ये समय थोड़ा सा आपको परेशान हेडक दे सकता है काम के प्रति। लेकिन हाँ, अपने काम को लेकर बाहर भी जा सकते हैं, आप विदेश भी जा सकते हैं, कार्य को लेकर कहीं दूर यात्रा आपकी हो सकती है। अपने कार्य को लेकर कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ जाएगा क्योंकि सूर्यदेव उच्च के हैं। जब सूर्य उच्च के होते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है, अपने कार्य को लेकर रुचि भी बढ़ जाती है। काम को छोड़कर, कार्य को छोड़कर किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो मई के महीने में मत कीजिएगा, ज्यादा अच्छा नहीं है। फाइनेंस और इन्वेस्ट कैसा रहेगा आपके लिए? दोस्तों इन्वेस्ट, जैसे मैंने कहा कि भाग्य बहुत ज्यादा भी अच्छा नहीं है, ठीक है, यानी कोई भी शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य, कोई भी एक बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो रुक जाइए फिलहाल, अभी जून के महीने में जाके आप कर सकते हैं। वही दोस्तों मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो बुध आपके केंद्र में 1st हाउस को देख रहे हैं, कोई चिंता नहीं होगी आपको, आर्थिक स्थिति सही रहेगी आपकी। क्या उपाय करने चाहिए वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को? राशि के मालिक मंगल देव हैं, इसके साथ में आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है या फिर संकट मोचन का पाठ आप जरूर करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। चंद्रमा नीच के हैं तो चंद्रमा का बीज मंत्र करें या फिर महादेव की पूजा करें या ओम नमः शिवाय का जाप आप जरूर करें। कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।